हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आप सभी के पसंद यूट्यूब चैनल रहा एजुकेशन में। देशद्रोह और राजद्रोह, ये दो ऐसे शब्द हैं जो आमतौर पर खास तौर पर चुनावी माहौल के समय आप लोगों को ज़्यादा सुनने को मिलता होगा कि अमुक नाम के व्यक्ति ने देशद्रोह किया है या उसको देशद्रोही घोषित कर देते हैं। बार बार ऐसे शब्द हमको सुनने को मिलते हैं कि फलाने पर राजद्रोह या देशद्रोह का मुकदमा दायर किया गया है। तो क्या देशद्रोह और राजद्रोह एक ही है, दोनों को एक ही अभिप्राय में समझा जाए, या दोनों में कुछ अंतर होता है? तो आज की इस वीडियो में बिल्कुल आसान भाषा में हम समझेंगे कि देशद्रोह होता क्या है और राजद्रोह क्या होता है और इनसे संबंधित कानून क्या है छोटे से इस वीडियो में, और क्या क्या ऐसी कार्य करने पर, ऐसा द्रोह करने पर क्या क्या सजाएँ मिलती हैं भारतीय दंड अधिनियम के अंतर्गत, भारतीय दंड संहिता कानून के अंतर्गत। तो चलिए आइए शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देशद्रोह, एक मन में एक चित्र उत्पन्न होता है जैसे ही नाम से कि देश जैसा नाम कि अपने देश से द्रोह करना यानी कि उसका विरोध करना। तो चलिए देखते हैं दोनों के बीच में अंतर क्या है, देशद्रोह और राजद्रोह। तो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि देशद्रोह यानी देश का विद्रोह करना और राजद्रोह यानी कि राज्य का विद्रोह करना। नाम तो दोनों मिलता जुलता है, तो क्या दोनों के कानून भी सेम है और सजाएं भी सेम हैं? तो चलिए समझते हैं सबसे पहले देशद्रोह कानून क्या है और इसके लिए क्या सजा उल्लेखित की गई है भारतीय दंड संहिता कानून के अंतर्गत। तो पहले राजद्रोह समझेंगे, राजद्रोह कानून क्या है। यदि कोई व्यक्ति गवर्नमेंट विरोधी बातें लिखता है या बोलता है, आमतौर पर सोशल मीडिया पर लोग पाए जाते हैं, ट्विटर पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर शेयर करते हैं देशद्रोही विद्रोही बातें, तो जो लिखता है या बोलता है या फिर ऐसी ही बातों का समर्थन करता है या राष्ट्रीय चिन्हों का अपमान करता है, आमतौर पर आप देखे होंगे दूसरे देश वाले या कहीं पर भी भारतीय झंडे का, प्रतीकों का अपमान किया जाता है तो, या फिर संविधान को नीचा दिखाया जाता है, तो उसके व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता जिसको आप इंडियन पीनल कोड IPC के अंतर्गत धारा 124A है उसके तहत उसको के ऊपर राजद्रोह का केस दर्ज किया जाता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि इन सभी बातों के साथ ही यह किसी व्यक्ति के द्वारा देश विरोधी संगठन के साथ में किसी तरह का संबंध रखा जाता है, जैसे देश विरोधी कई देश हैं जिसका भारत देश से, हम लोग भारत देश में रहते हैं पर्टिकुलर देश में, तो इनका जो जो विरोधी देश हो उससे जो संबंध रखता है तो ऐसे किसी संगठन का किसी भी तरीके से सहयोग करता है तो वह राजद्रोह के अंतर्गत आता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात कि राजद्रोह के लिए कितनी सजा हो सकती है, तो सबसे पहले आपको बता दें कि इस बात से अवगत कराएं कि राजद्रोह एक गैर जमानती क्राइम है यानी कि अपराध है, यानी इसके लिए कोई भी जमानती वारंट या कोई जमानत इसकी नहीं कर सकता। यदि किसी व्यक्ति के ऊपर राजद्रोह कानून के अंतर्गत दोषी उसको पाया जाता है तो उसे 3 साल की सजा से लेकर उम्र कैद तक हो सकती है और सजा के साथ ही उक्त व्यक्ति को जुर्माना भी देना होता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, सजा कई रूप में होती है, इसके बाद आने वाली वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि सजाएं भी 2 प्रकार से होती हैं। एक सजा आपको सुनाई जाती है कि आपको इतना पेनल्टी लगा हुआ है, इतने पैसे आप जमा कर दें, एक ये सजा होती है। सजा का दूसरा प्रारूप होता है कि आपको इतने वर्ष की जेल काटनी है सजा, और तीसरा प्रारूप है कि आपको जेल भी काटनी है और इतना आपको पेनल्टी भी, पैसा भी देना है, और चौथा होता है कि अगर आप पेनल्टी नहीं देते हैं तो भी आपको फिर वो जो पीरियड है आपको जेल के पीछे रखने का, सलाखों के पीछे रहने का, वो बढ़ जाता है। तो आने वाले समय में उस पर भी आपको वीडियो मिलेगी। तो यहाँ पर हमने राजद्रोह को समझा है और राजद्रोह के लिए क्या क्या उक्त बातें हैं वो समझा। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जब कोई व्यक्ति राजद्रोह में दोषी पाया जाता है तो वह कभी भी किसी सरकारी नौकरी के लिए आवेदन नहीं कर सकता। सबसे महत्वपूर्ण बात, इसके अलावा उसका पासपोर्ट भी रद्द कर दिया जाता है और उसे जब जब भी ज़रूरत हो तब कोर्ट में उसको हाजिर होना पड़ता है, जब भी कोर्ट उसको बुलाती है। इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। ये तो हमने समझा कि जो राजद्रोह है वो क्या है। अब आते हैं कि देशद्रोह क्या है। तो देश में सरकार को कानूनी रूप से चुनौती देना, ये देशद्रोह की श्रेणी में आता है। वैसे आपको बता दें कि सरकार का लोकतांत्रिक तरीके से विरोध किया जाना या इसके अलावा उसमें बदलाव के लिए मांग किया जाना देश के हर एक नागरिक का अधिकार है।
लेकिन उसकी कुछ सीमाएं हैं। अगर वो कानूनी रूप से उन सीमाओं के अंतर्गत रहते हुए अगर आप विरोध करते हैं तो उसको सम्मान से सर्वसम्मति से स्वीकार किया जाएगा, लेकिन आप गैर कानूनी तरीके से सरकार का विरोध करते हैं तो ये एक देशद्रोह के अंतर्गत आता है। और यहाँ तक कि ऐसे संगठन जिनके द्वारा देश विरोधी गतिविधि को अंजाम दिया जाता है उन्हें भी बैन कर दिया जाता है। इसके अंतर्गत ही माओवादी या अलगाववादी संगठनों को भी बैन किया जाता है। ऐसे संगठनों से किसी भी तरह का संबंध रखने वाले व्यक्ति के खिलाफ भी देशद्रोह के मामले में या ऐसे जुड़ी धाराओं में केस दर्ज हो जाता है। और आईपीसी के अंतर्गत जैसा मैंने आपको बताया कि इंडियन पिनल कोड और सीआरपीसी के तहत, हालांकि जब सीआरपीसी बना था 1860 में आईपीसी नियम लागू हुआ था तब भारत देश एक देश के रूप में नहीं भारतीय उपमहाद्वीप के रूप में इंडियन सब कॉन्टिनेंट के रूप में जाना जाता था, और तब वहाँ पर राजाई और अंग्रेजी परंपरा थी तो उस तरीके से वहाँ पे ये सारी चीज़ें मेंशन हुआ करती थी। अब आप लोगों को बता दूँ कि अब जानते हैं कि देशद्रोह और राजद्रोह, तो मोटा मोटा आपने समझ लिया इन दोनों में डिफरेंस। शॉर्ट फॉर्म में अगर समझना चाहें कि देशद्रोह और राजद्रोह में क्या अंतर है मोटे मोटे तौर पर, तो आइए वो भी जान लेते हैं। जब किसी व्यक्ति के द्वारा सरकार को असंवैधानिक तरीके से पलटने का कार्य किया जाता है तो उसको राजद्रोह कहते हैं, यानी कि कानून के अंतर्गत ना रहते हुए कानून को अपने हाथ में लेते हुए कार्य करना तो वो राजद्रोह आएगा। लेकिन जब किसी व्यक्ति द्वारा देश के नुकसान के कार्य को अंजाम दिया जाता है या ऐसी कोई योजना बनाई जाती है जिससे देश की क्षति हो, देश की सरकारी संपत्ति का नुकसान हो, तो वो देशद्रोह कहा जाता है। तो आई होप कि आपको सरल भाषा में देशद्रोह और राजद्रोह की बातें समझ में आई होंगी। अब जब कहीं बात होगी कि फलाने व्यक्ति के ऊपर राजद्रोह है या देशद्रोह है या वो व्यक्ति देशद्रोही है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि उसने क्या कार्य किया है, देश विरोधी या राज विरोधी। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा ताकि इन छोटे छोटे शब्दों को जो उनको समझने में तकलीफ होती है आज की इस वीडियो से वो समझकर आसान भाषा में इसको समझ पाएँ। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।